कौन नाम है मिठिया? झुमकी। मजूरी के आवत हुई तो बहुत पैसा ले भाई। आ, तब जावे फिर भी अब जावे तू काम धंधा कर ट्रेन कर तो रे वही अपने झुमकियों का ख्याल रखा कर बस शादी भी ना कर दो शादी करे है भैया हम मर जावे तो तू लोग कह दियो भी हवा भैया ऐसे कैसे ना हुआ था जो आज तक जब भी आओ हम अब गांव भर में तो सहयोग तो मिले भाई करिए फिली लेकिन जब अपना रहो तो अब का की मेरी जाति कमात कमात तू का दारू भी आवे अभी सब हमें नहीं ठिकात है तो ठिकात कहे नहीं है अब हम दारू और पिए बंद करो अब मेहरारू हमारा आए के हुई अब उसे पैसा देवे नहीं गलत बात है फिर जाबे हम दारू पी जाएंगे तो अरे झुमकी गम्मा ओ झुमकी गम्मा पैसा दो फेंकी जाई पैसा नहीं है काहे पैसा कहाँ से लाई देखो रहा कमाई के मजदूरिया के क्या आई भाई है मजदूरिया के क्या है तो दे दी उड़ाऊ जाए क्या अभी पैसा नहीं मिला इतिहास सयान हो जाती हो कहीं चिंता नहीं दे देखो दारू दारू नजर आवत है तो हम दारू कैसे पी चाहे जहाँ से पियो हमसे का मतलब हमारे पास पैसा वैसा नहीं है इस शर्म करो बड़े मर्द बने गांव भर में घूम था कि हम ही हैं घर का ना तुम चिंता ना फिकर हमारे घर से तो पूरा घर के घर चलावत है जा 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 ये कलावतिया हमका धक्का दे के भगाई सी आज हम बहुत दारू पीबे बहुत और इतना मारा याद होकर दम निकल जाए आज आप से सर्दी सर्दी बहुत जोर है गा है लगभग बह लागत है कपिया लेके जाए साहब कब लेके हैं मेरा भागना है क्या जल्दी जाके दो जा दो दो मिनट के अंदर हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है सर मुझे पता है हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी बोल वाह बता देगा अगला क्वेश्चन हमें स्वास्थ्य के लिए पानी का उपयोग कितना करना चाहिए पानी कम बढ़ावे चाहिए तबियत और ठिकाई कैसे यही से साहेब हम 15-15 दिन पर नहाए थे बट मेरा कहीं का सर मुझे पता है अधिक से अधिक दो नहीं 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 सर 4 लीटर पीना चाहिए
गुड। आज तुमने मुझे बचा लिया, इसमें कोई बात नहीं। अच्छा बच्चों, अब ये बताओ कि हम चैन के लिए अपने परिवार के साथ कब सोते हैं? जी, जब हम घर पर पेड़ पर खाना खाते हैं तब चैन की नींद सोते हैं। चुप, ये सही नहीं है। तो ये बताओ, क्यों करो? जब हमारे सैनिक रात रात भर जाग के सीमा पे पहरा देते हैं तब हम चैन की नींद सोते हैं। ओ कलावतिया, कलावतिया कहाँ मर गई? कहाँ है कदक तेरे चिल्ला? आई को पीकर क्या बनाता? क्या बनाता? अरे उठो, है काहे नहीं बोला तो? राम सिंह, राम सिंह, क्या बात बीरू? झुमकी के माता पिता दोनों मर गए। क्या क्या बक रहा है यार, इधर आ बस। हुआ ये कि झुमकी का बाप दारू पीकर आया और चारपाई पे लेट गया, चारपाई से गिरा और मर गया। अच्छा, और उसकी माँ? उसकी माँ इतना रोई, इतना रोई कि उसे हार्ट अटैक आया और वो भी मर। ठीक है, तुम जाओ, मैं भी आता। कोमल! अरे भोकाली भैया, तुम क्या बात है? झुमकी के माई बाप मर गए। अरे झुमकी, ये तो सबके साथ में होता है, तुम संभालो अपने आप को। झुमकी, अपने आप को संभालो, चलो घर चलते। प्रणाम पिताजी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। झुमकी, झुमकी,
झुमके। के झुमके देख तू परेशान ना हो, तेरे साथ तेरा राम है। परेशान सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मैं आ गया हूँ। उनकी चलो घर के अंदर चलो। हम लोग तो है ना, मुंह धो लो और खाना खा लो। नहीं खा लो, खा लो, हमें माँ समझो है ना। और ले लो बेटा, कई दिन से भूखी हो, खा लो। थोड़ा सा और हम आ गए हैं ना। तो भगवान है? तू भगवान नहीं है। अरे बाप हमार दारू पियत रहा, तूने उन्हें मार दिया, ठीक किया। लेकिन हमार माई ओके का कसूर रहे? वो बेचारी तो मेहनत मजदूरी कई के हमार सबके पेट पालत रही। तुझे हमरे माई पे तनको दया ना आई? तू बड़ा निर्दयी है, तो हमें भी कौनो बहाने से मार देता, कहीं हमका जिंदा रखा। भगवान सुना था, आज तू भी कान खोल के सुन ले। झुमकी आज कसम खात है, आज के बाद तुहार नाम झुमकी अपने जुबान पे ना लाई। आज से तू झुमकी के दुनिया से मर गया, सुनता है? झुमकी की दुनिया से मर गया। मम्मी मैं जय के साथ जा रहा हूँ। ठीक है जा। लक्ष्मी तो जरा इधर आओ यार। जी आई।
देखो। जी आज तो बहुत अच्छी लग रही है, जरा तेरी बात पर बैठो ना। जी ऐसी क्या बात है। विजय जरा चाय लेके आना। तो लक्ष्मी आज मैं बहुत थक गया हूँ। ये तो ट्रेन लेट से आई, बस ही नहीं किसी तरह से जीप से आया हूँ। लक्ष्मी मैंने एक बात सुनी। क्या? अपने राम के बारे में क्या सुना है, कुछ बताएंगे? किसी लड़की का चक्कर। क्या किसी लड़की का चक्कर है? कौन सी लड़की? यही तो पता लगाना है। ठीक है, आप चिंता ना करो, मैं पता लगा लूंगी। अच्छा देखते हैं ये क्या होगा। कहाँ गए थे? दोस्त के साथ घूमने गए थे। अच्छा ए? भोपाली अदरवा लाओ। अपन अरे इसे सुनो बोला था भोपाली लाओ अदरवा। आधार तो ना है। सरकार के नियम है बिना आधार के गल्ला नहीं मिलता है। बिना आधार के ना दे पेबे तब हम भूखन मरी। भूखन ना मरो, आधार जरूरी है तो हम गल्ला ध्यान देते लो खाओ रख कर। अब ही एक बार लाके आधार दे के रहे हैं तब तो रसनवा दे दिन के आओ तो दोबारा है तब का बात हो आधार ना लागे। आधरवा जोन दे गयो हम में वो लेके गए हुआ फीड करायन और सुचिया में चक्कर नमो तार आवा तार नमो कट गया फिर आधरवा दे तो फिर जा फिर कराए तार। आधार हर जगह जरूरी है। आधार सरकार हर जगह लगाई दी थी कि हर जगह बिना आधार के कोनो काम ना होगी। ये आधरवा तू मांगे तो कि सरकार मांगती जोन बार बार मांगा कर रखो। आधरवा अपन दे दियो वका जाए के हुआ फिर फीड कराए दी तार। आधरवा हम नहीं मांगे थे सरकार मांगती और सरकार मांगे थी तब आधरवा तुझसे हम मांगी था। अरे सुचियम तहार नमो कट गया है तो ये मशीनिया लेते नहीं कौन मेरे तुहार गल्ला तुम्हें बांट दी। लाभ की बार सुनवा दे दियो बहुत तेज भूख लाग है। रामविलास हाँ कुटेगा आधार लो। आधार लो तो भूल घर अब की मेरे थोड़ो बहुत पे जुगाड़ लाई है। चलो दे दिया भाई कौन इस बात है तेरा भूखन मत हो। अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। अब अगली बारी ले भाई हम याद भूल आ रहे तो पहले ना करो भुला जाए तो बहुत अकेले मने दब रही है। भुला ले आखिर जब सरकारी चीज है अपने दोस्तों मजबूत में रहो तो कहां से पाइबो। नहीं तो अब ना भुला भाई आप बिल्कुल ना भुला। अरे भैया आज तो आप बिल्कुल बाबूजी की तरह लग रहे हैं। सच भैया भैया आप तो बाबूजी की तरह लग रहे हैं।
भैया आप सच में बाबू जी के तरीके से लग रहे हैं। सच? जी भैया। भैया मैं आपको देख के ये सोच रही हूँ कि मैं आपको बाबू जी बोलूँ कि भैया बोलूँ। पगली, कौन कहता है कि मैं तुम्हारा भैया और बाबू जी नहीं हूँ? अच्छा जनार्दन, आज मैं एक लड़के का फोटो लाया, वो एक तुम दोनों को अगर पसंद आ जाए तो फिर ठाकुर साहब से हम शादी की बात करते हैं। क्या तुम जाना पहचाना सा लगता है? हाँ, ये लड़का बेनीपुर बेनी माधव ठाकुर का लड़का है। अगर तुम दोनों को ये शादी पसंद है तो फिर हम ठाकुर साहब से बात करें। कोमल इधर आओ। देख बहना, ये तेरा होने वाला दूल्हा तो क्या शादी के लिए मान जाएंगे? अगर मेरी बहना ने उसको पसंद कर लिया तो ठाकुर साहब शादी के लिए जरूर मान जाएंगे। तो क्या तुम्हें पसंद है? क्या हुआ, शादी पसंद है? बहना शर्मा रही है, भाई होती तो बता देती। चलो ठीक है, अगर भैया से बाबूजी बन गए हैं तो भाभी भी बन जाती है। क्यों मैम, पसंद है? पसंद है शादी को? शादी पक्की? ठाकुर साहब से बात करें। ये भोकाली भैया यार, तुम सब लोग कैसे दोस्त हो जो हमारी मजाक बना के रख दी हो? क्यों गुस्सा करते हो इतना? अरे माल वाल के बारे में बताओ यार। अरे इससे पूछो कोमलिया के बारे में। कोमलिया? अरे वो देखो कोमलिया लहराते हुए आ रही है। यार क्या बात है यार। क्या है? बताओ भोकाली भाई, हमार देख के तो जियरा खोई गवा। तुम्हारा तो जियरा खोई गवा, ये हमार देख के ड्राइवर को बोलो गाड़ी में। तुमसे वहां जाने के लिए बोला गया था? और बोल रहा हूँ, कब बोल रहा हूँ? मैं अभी की बात कर रहा हूँ। चलिए सर,
नमस्कार। आइए आइए ठाकुर, बैठिए 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 बैठो। बहुत दिनों के बाद दिखाई दे। आओ सब ठीक? बढ़िया। बहुत दिनों के बाद आप लोग आए, क्या करें, इस तरह कृपा है। ठाकुर साहब, आपका कैसे आना हुआ? बस आपकी याद आ रही थी और एक काम निकल आया। काम? कैसे काम? ठाकुर साहब, ज़्यादा बातें न करते हो, थोड़े में कहते हैं। ठाकुर साहब, हम अपने बहन के शादी के लिए आए हैं। आप लोग शादी के लिए आए हैं? लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अजी सुनती हो? जी लक्ष्मी, बैठिए। ये लोग राम की शादी के लिए आए हैं। फोटो की बात छोड़िए, पहले चाय पानी पिलाइए। जी विजय। जी जाओ, जाके चाय पानी लियो। अरे आप ले लीजिए। हम ले रहे हैं अपना, आप बता। ठाकुर साहब, ये फोटो बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है, राम को आ जाने दो, प्रसन्न उसी को करना है। मेरी बहन लाखों में एक है। क्यों ठाकुर साहब, इस रिश्ते को हम क्या समझें? ठीक है, राम को आ जाने दो, फिर हम देखते हैं। अच्छा तो ठाकुर साहब, हम चलते हैं। दोस्त जाइए। अच्छा ठाकुर साहब, चलते हैं। चल रहा हूं। आ गई झुमकी? आ गई। अच्छा राम, ये बताओ तुम मुझे कितना प्यार करते हो? मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ जितना श्याम ने राधा को न किया होगा। अब तुम बताओ हमें तुम कितना प्यार करती हो? तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि राधा ने श्याम को न किया होगा। यानी हमारा तुम्हारा प्यार पवित्र है? हाँ पवित्र तो है, पर? पर क्या? पर यही, हमारे तुम्हारे इस प्यार को तुम्हारे घर वाले स्वीकार करेंगे? क्यों नहीं? ये तुम कैसे कह सकते हो? तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है। तो क्या हुआ? वो लोग हमारे प्यार को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे तुम्हारे बीच में अमीरी गरीबी और जात पात की बहुत बड़ी खाई है। हम इस खाई को फांद जाएंगे पर तुम्हें नहीं भूलेंगे और तुम्हीं से शादी करेंगे। शादी बहुत मुश्किल है। कुछ भी हो, हमें तुमसे कोई जुदा नहीं कर सकता। चलो समय ज्यादा हो गया, अब चलते हैं। चलो चलते हैं। तो बच्चे की शादी की उम्र है तो अपनी बातें करते हैं। अरे हम उम्र ज्यादा हो गया, उम्र बचपन की। हाँ बचपन। अच्छा हटो जाओ, इस उम्र में भी ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती।
क्या हुआ पता चला? नहीं नहीं शायद राम आ गया है, अभी पता करते। राम बेटा आ गए? हाँ माँ आ गए। तुम्हारे शादी के लिए आए थे, कुछ फोटो तुम्हारे पिताजी को दे के गए थे। लड़की बहुत सुंदर है, इससे तुम्हारे पिताजी शादी तय किए हैं, तो क्या कोई एतराज तो नहीं? माँ मैं ये शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। बेटा कौन है वो लड़की? माँ इसी गांव की लड़की है। क्या नाम है उसका? झुमकी। क्या कहा, झुमकी जो उसके माँ बाप मर गए हैं? हाँ माँ। क्या झुमकी? हाँ हाँ इसी गांव की लड़की झुमकी। झुमकी जो गरीब घर की लड़की है जिसके माँ बाप मर गए, ये शादी में हर किसी को नहीं दूंगा। हे भगवान ये तूने क्या किया, अब क्या होगा? हेलो झुमकी, तुम कहाँ हो? घर पर? मैं तो यहाँ बैठा हूँ, हाँ गोडाउन वाले खंडर में। आ रही हो? ठीक है जल्दी आओ। अच्छा झुमकी ये बताओ आज कहीं जाना है? कहीं नहीं जाना, तुम बताओ कहीं जाना है? हाँ घूमने जाना है, चलो कहीं घूम के आते हैं। घूमने जाना है? पर कहाँ? वहीं पर जहाँ मिले थे। क्या करोगे? अरे वहीं यार, घूमेंगे टहलेंगे और प्यार करेंगे और क्या। अब कहाँ जाओगी, अब तो प्यार करना ही पड़ेगा। हाँ अब तो मजबूरी है। ओ दादा ये देखो हाल। देखो दादा कैसन जमाना आएगा बाप, मायने में चढ़ते हो बाप। ए ए लड़की, ए बाबू, ए मैडम, ए बाबू, अरे ये देहात है देहात, कोनो शहर ना ही है, जहाँ मर्जी तहाँ भीड़ गए। क्या करत हो? प्यार कर रहे हैं। प्यार कर रहे हो आसमानों में चढ़ के? हमारा स्टाइल है। स्टाइल? स्टाइल का हो था मैडम? काहे हम आदमी ना ही? जो भी बच्चा बा ठीक बा, कुछ भी करो हम जाए थे। राम घर में नहीं दिखाई पड़ रहा, वो अपने दोस्तों से मिलने गया होगा। दोस्तों से नहीं, वो झुमकिया से मिलने गया है। कहाँ गया था?
दोस्त के घर। दोस्त के घर? निकल जाओ मेरे घर से। अपने मेरे इकलौते लाडले बेटे को बगा दे, कहाँ जाएगा मेरे लाडले? जहन्नुम में जाए। हेलो राज ठाकुर साहब, प्रणाम। अरे क्यों ठाकुर साहब, क्यों इनकार कर दिया? विष्णु, विष्णु। हाँ आया। अच्छा है, हेलो हाँ ठाकुर साहब प्रणाम, और बताइए कैसे हैं? अरे भाई अभी हम आपको ही याद कर रहे थे। और सब परिवार में ठीक ठाक हैं? नहीं नहीं बताइए बताइए। हाँ हाँ बताइए। क्या राम ने शादी करने से इनकार कर दिया? तो ये बताने के लिए आप हमारे पास फोन किए हैं? वैसे सोच तो आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन बताकर आपने बहुत बुरा किया। जनार्दन! हाँ भैया। इस फोन पर किससे बात? भैया राम ने शादी करने से इनकार कर दिया। और क्यों? और झुमकी से प्यार करता है उसी से शादी करेगा। शादी करेगा? शादी करेगा? वो झुमकी से शादी करेगा? शादी करेगा तो मेरी बहन से करेगा, अन्यथा सीधे मौत से करेगा। भैया ये जोश के अभी काम नहीं है, कुछ और सोचो, दिमाग लगाओ। तू ठीक कहता है जनार्दन, इस समय मुझे ऐसा ही कुछ सोचना चाहिए, और मैंने सोच लिया है। जिस बदन में खुजली होती है ना, उसको खुजाने वाला उसी का अंग होता है। और तू भी सोच ले। मेरा सिगरेट कौन ले गया? क्या हुआ, काम क्यों रहे हो? टेंशन मुझे है कि तुम लोगों को? अगर तुम लोगों को टेंशन होता तो आज मैं सोचने की जरूरत नहीं थी। सब कैसे निकल रहे हो? कोई भी एक काम का नहीं है यहां पर। और लाल सिंह ठीक है चाचा? अचानक कैसे आना? सुना है बेनीपुर के बेनी माधु सिंह ने आपके बहन का रिश्ता ठुकरा दिया है। ठीक सुना है लाल सिंह, पहले सिगरेट पियो फिर हम आपसे बात करेंगे। मेरा कुछ दिमाग नहीं काम कर रहा है, अगर कुछ उपाय हो तो बताओ, मैं क्या करूं? बताओ चापल सिंह, मैं क्या कर सकता हूं? बताओ कर सकते हो?
हाँ तो जाओ और रात को खत्म कर दो। ठीक है रुको लाल सिंह, राम को खत्म करना है, तुम केवल उसको लेकर आओ और खत्म उसे मैं करूंगा। मैं लाल सिंह मेरा नाम है, लाल तो मैं करूंगा। ये दिलाकर भैया जो काम तुम लोगों ने नहीं किया वो मेरा दोस्त लाल सिंह लाल सिंह। तुम लोग चलो आज राम का काम तमाम हो गया। हेलो जनार्दन, अरे भाई तू कहाँ है? तू यहाँ पर आ मुझसे मिल, मैं यहाँ टेले पर बैठा हूँ, टेले पर। वहां नहीं जाना है, तुम यहाँ आओ मेरे पास, मुझसे मिलो। क्या हुआ, कुछ सोचा? भाई हमारा तो दिमाग ही फेल हो गया, अब आप ही कुछ सोचिए। जनार्दन तू ठीक ही कहता, माचिस ला, माचिस निकाल, कहीं गिर गई साली। जल भी नहीं रही है, तोड़ दे इसको। भैया टूट भी नहीं रही है, एक तिल्ली निकाल। तोड़ उसको, तोड़। कुछ समझा? क्या समझा? एक एक को तोड़ने के लिए। मेरा भाई है, इसी तरह उन सालों को तोड़ दो, एक एक को तोड़ो। कितने? पांच। पांच, पांचों को एक एक करके तोड़ो। केवल राम को मेरे लिए छोड़ देना, क्योंकि राम राम को मैं मारूंगा। मैं ठीक है भैया, जब तक सब खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक तुम मुझे मत मिलना। भैया
कर लेते हैं हाँ। अब चलते हैं बात करते हैं। फोन निकालिए, फोन निकालिए, नंबर मिलाइए, नंबर मिलाइए। हाँ हाँ ठाकुर साहब, मैं आपके गांव आ गया हूँ और गांव के पास ये जो नहर है उसी के बगल में चाय की दुकान है, वहीं पे बैठा हुआ हूँ। ठीक ठीक आइए, आ रहे हैं। ओए दो चाय देना। काम हो जाना चाहिए, काम हो जाएगा। उठाओ उठाओ कौन? हेलो हेलो जनार्दन। हाँ मुकेश बोल। अरे तुम्हारी बहन यहाँ जय के साथ रंगरलियाँ मना रही है। तुम ये क्या बक रहे हो? मैं बक नहीं रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आपके मोबाइल पे मैं व्हाट्सअप कर रहा हूँ, आप अपने व्हाट्सअप पर देख लीजिए। हाँ भेजो व्हाट्सअप पर। ठीक है मैं अभी करता हूँ। बहना तुमने बहुत गलत किया, अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। बहना तुमने जो कुछ किया ठीक नहीं किया, तुझे तो मार दिया, मैं उसे भी नहीं छोड़ूंगा। मैं बाद में देख लूंगा, पहले उज्जय को देखता हूं। गांव में गोली कहां चली है? सर जी मैं तो बाजार से आ रहा हूं, अभी मुझे मालूम नहीं है। उधर वो छोटू बैठा है, उससे पूछ लो, शायद उसे मालूम होगा। अच्छा तुम्हें नहीं मालूम है? जी नहीं मुझे नहीं मालूम, मैं तो अभी आ रहा हूं इधर। चलो ठीक है हम वहां देखते हैं। अबे इधर आ, इधर आ। अरे अरे अबे कहाँ जा रहा है? अरे 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 अब हम पकड़ ना पाइबो, हम भौकाली हैं।
अब जाइए, अब अपने ड्यूटी पे जाइए, समझे? अबे हराम खोर, आज तो तू निकल गया, कभी मिलेगा तब बताऊंगा तुझे। और सर कैसे आना हुआ? सुना है आपके गांव में गोली चली है। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखिए ठाकुर साहब, आपके गांव में खेत के बाहर गोली चली है, और ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको पता ही नहीं है? ऐसा तो कुछ नहीं सर हुआ है। आपके ही गांव की लड़की है झुमकी, जिस पर गोली चली है, और आपका लड़का उससे प्यार भी करता है, और आप उसका विरोध भी कर रहे हैं। देखिए दरोगा जी, मैं कल बाहर से आया हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। देखिए ठाकुर साहब, आज नहीं तो कल ये पता चल जाए, और जिस दिन ये पता चला कि झुमकी के ऊपर किसने फायर किया, तो वो बचेगा नहीं। ये हमारी बात आप याद रखिए। अब हम चलते हैं, इसको याद रखिए। सिर्फ दाल ही करता है। तो बहुत मेरे भाई चमचागिरी की है। बहुत अच्छा, वाह लाल सिंह वाह, बात उसको इतना ढूंढना, भविष्य में कभी सुधर नहीं पाएगा। अरे लाल सिंह, बताइए सरकार, आदेश कीजिए। बहुत अच्छे दोस्तों मेरे, बहुत अच्छे दोस्तों, आज तो तुमने खुश कर दिया चापन सिंह को। कहाँ है लाल? रस्सी में बांध कर। अरे वो तो भाग रहा है, पकड़ो। क्यों रे? तो चापन सिंह से भागकर कहां जाएगा? चापन सिंह से भागकर आता कोई बचाना है? पागल कर दिया तुमने,
लाल सिंह ले चलो इसको। अच्छा तूने एक मामूली लड़की झुमकी के लिए मेरे बहन का रिश्ता ठुकरा दिया। क्यों ना ठुकरा हूं? मैं झुमकी से प्यार करता हूँ और उसे से शादी करूंगा। क्या बोला? बोल क्या बोला तू? अच्छा तो तू झुमकी से शादी करेगा? हाँ हाँ मैं झुमकी से शादी करूंगा, इसे कोई नहीं रोक सकता चापल से। चापन सिंह तू कुछ भी कर ले मैं शादी जरूर करूंगा। जिंदा रहेगा तब तो ना, तेरी शादी तो मैं मौत से कराऊंगा। किससे? मौत से। क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता? प्यार करने वाले मौत से नहीं डरते। मेरे सामने तेरी ये दहाड़ और भय बेकार है, तुझे अपने आप पे बहुत घमंड है और तेरी घमंड को मैं चूर चूर कर दूंगा। चापन सिंह भैया से जबान लड़ाएगा तेरा दांत तोड़ दूंगा। तो भैया से जबान लड़ाएगा तेरा तो दांत तोड़ दूंगा। दांत? तू क्या दांत तोड़ेगा? जनार्दन को तो हमने ढेर कर दिया है। क्या कहा? क्या कहा? मेरे भाई को तूने ढेर कर दिया। चापन सिंह तूने जा को मार के अच्छा नहीं किया। चापन सिंह चापन सिंह छोड़ दो मेरे दोस्त राम को। बच्चों जिसके हाथ कांपते हैं वो गोली नहीं चलाता। मुझसे लड़ ले, मैं फेंक रहा हूं उसको। सिंह तुझे यहाँ बहुत दर्द होता था ना, आज मैं तुम्हारा सारा दर्द दूर कर दूंगा। चापन सिंह तुम्हारा दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया।
लक्ष्मी देखो तेरा लाडला बेटा, मेरा कमीना बेटा शादी करके आया है। शादी दो आशीर्वाद, मैं तो इसे एक तिनका नहीं दूंगा। पर पिताजी, मैं आपका धन दौलत लेने नहीं, केवल आशीर्वाद लेने आया। तेरे लिए यहाँ कुछ नहीं है, अगर है तो सिर्फ मौत। तेरे लिए सिर्फ मौत। मारना ही है बापूजी तो हमको मारिए, इन सब की जड़ मैं हूँ। क्या कर रहा हूँ, बहू का गोली मारा जाता है, मेरे खानदान की इज्जत बर्बाद करने वाले, तू यहाँ एक पल नहीं रुक सकता। निकल जा यहाँ से, जा निकल जा। राम राम। अब्बा मानव लड़का उनका कहा जाता, अब इनका हाल अंदर लेके जाऊंगा। कहा गुस्सान हो, जमाना बदल गया, हमारी उम्र 55 साल है, बहुत कुछ देखा।